सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज काफी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि आज मैं करने वाला हूँ कॉल प्रैंक। लास्ट टाइम आपने कॉल प्रैंक को बहुत प्यार दिया था, तो हमने सोचा इस बार क्यों नहीं। तो मैं अपने किसी पुराने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ अपने नए नंबर से, और मैं कुछ मजा करने वाला हूँ उनके साथ। आपको वीडियो में पता चलेगा, देखते हैं कितना मजा आता है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। चलिए, अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। कॉल करते हैं। के लिए स्टार और नौ दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूट करना पड़ रहा है। हेलो, हाय मैम, मैं विशाखा बात कर रही हूँ फन अनलिमिटेड से। अच्छा मैम, एक्चुअली हम कुछ कॉन्टेस्ट रन कराते हैं जिसमें हम यूपी से कुछ नंबर सेलेक्ट करते हैं। आप यूपी से बात कर रही हैं? मैम आपका शुभ नाम? पूजा राय। पूजा राय, ठीक है मैम, पूजा राय नोट करिए। मैम एक्चुअली हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उसके जवाब देने हैं। अगर आप उनके जवाब देती हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मैम हम आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें? मैम हम आपका क्वेश्चन आंसर मैं नहीं पूछूंगी, हमारे एग्जीक्यूटिव पूछेंगे। तो क्या मैं आपका कॉल फॉरवर्ड कर सकती हूँ? हाँ हाँ करिए। मैम अगर आप चाहती हैं हम आपका कॉल फॉरवर्ड करें तो आप एक दबाएं। जी, एक दबा दिया, मैंने कॉल होल्ड पर रख दिया। चलो अभी एग्जीक्यूटिव बनता है। हेलो मैम, मैं निशांत बात कर रहा हूँ फन अनलिमिटेड से। विशाखा ने आपका नंबर मुझे फॉरवर्ड किया है। जी। दरअसल हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसा कि विशाखा ने आपको बताया होगा। जी। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन, आप ये बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट जीती हैं, आपको पूरे 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है। अच्छा मैम, आप चाहती हैं? नहीं मैम, अभी फिलहाल हमारे पास यही कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उसके जवाब देने हैं। जी बिल्कुल। मैम एक बार हम आपके लिए एक जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे। तो मैम आपका ये रहा पहला सवाल। मछली को पानी में आप तैरते हुए देखकर कैसे पता लगा सकती हैं कि वो मछली नर है या मादा? है? आपका सवाल है, मैम ऐसे आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। अच्छा। अगर आप उनके सही जवाब देती हैं तब आपको रिचार्ज मिलेगा, अगर गलत देती हैं तो आपको कोई रिचार्ज नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ जी, आपका सवाल मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मछली को पानी में तैरते हुए अगर आप कैसे पता लगा सकती हैं कि वो मछली नर है या मादा? मैम आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको जल्दी जवाब देना पड़ेगा। जो मेल होगा उसके शायद पंख बड़े बड़े होते होंगे विंग्स, और जो फीमेल होगी उसके पंख छोटे होते हैं। मैम आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन पे अगर आंसर पे स्टिक करेंगी तो हम उसे लॉक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप इसी को लॉक करिए ना। मैम हमें बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि आपने गलत जवाब दिया है। इसका सही जवाब है, आप जानना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, बताएं तो हमें भी जरा पता चले। इसका बहुत सरल सा जवाब था, अगर मछली तैर रही है तो वो फीमेल है, अगर तैर रहा है तो वो मेल है। कोई नहीं, हम आप क्या समझे हो क्या भाई? मैडम ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। मैडम सिंपल सा, एक मिनट, एक गधों जैसा सवाल है ये। मैडम, हम दूसरे सवाल पर पहुंचते हैं। आपका दूसरा, आपका मैम हम फन अनलिमिटेड से बात कर रहे हैं तो हमारा काम ही यही कि हम ऐसे क्वेश्चंस पूछें। जी चलिए आगे बढ़िए। अच्छा तो आपका दूसरा सवाल ये है कि वो क्या चीज है जिसे हम रोशनी में नहीं देख सकते? मैम आपका वक्त शुरू होता है। नहीं देख सकते ना? हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम रोशनी में नहीं देख सकते?
जुगनू मैम मैं समझ नहीं पाई क्या होते हैं, आदमी का किसी नाम है? नहीं, ये एक छोटा सा वो फ्लाइंग इंसेक्ट है जो रात में चमकता है, जो गांव गांव साइड ग्रीन कलर का हाइलाइटेड कलर का होता है। मैम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बता सकती हैं? नहीं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम कभी ध्यान ही नहीं दिए जुगनू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैम कैसा होता है आप मुझे कुछ बताइए तो शायद मैं बता सकता हूँ। वो लाइट उसमें चमकता है, वो रात के समय ही दिखता है, उसको दिन में कोई नहीं देख सकता। मैम मैं देख सकता हूँ क्या? मैम मैं देख सकता हूँ क्यों? आपके अंदर क्या कोई सुपर पावर है क्या? लेकिन मैडम मुझे दिखाई देता है, मैं अच्छे से देख सकता हूँ कोई भी चीजों को दिन में। हेलो, अच्छा कोई नहीं मैडम, मैं आपको इसका जवाब बता सकता हूँ, सही जवाब बताता हूँ। मैडम अंधेरे को हम अंधेरे रोशनी में नहीं देख सकते हैं। मैडम ये था आपका दूसरा सवाल। एक मिनट, इधर सुनिए। हाँ जी मैम। ऐसा सवाल अगर पूछेंगे तो हाँ। फिर बोलिए हम फोन काट दें, मेरा माथा खराब हो जाएगा तो फिर फालतू का गाली वाली। अरे नहीं नहीं मैडम, आवाज सुन कर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि आप गाली सुनने लायक वाले इंसान है? मैडम माथा खराब कर रहे किसी इंसान का, हम इतना फ्री तो बैठे नहीं है। मैडम मैडम माफी, एक क्वेश्चन में हंसी आ गई, दूसरे क्वेश्चन में हंसी आना नहीं है जरूरी यार। मैडम 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 आप हमारी बात सुनिए, हम तीसरे सवाल पर पहुंचते हैं। आपका तीसरा सवाल यह है कि कुतुब मीनार की बिल्कुल सही ऊंचाई क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। मैडम सॉरी माफ करिए आप हार चुके हैं। आपका चौथा सवाल है खुद। हाँ जी काट दी मैडम, मैडम को फिर से फोन लगाते हैं। ए भगवान रुकिए मैडम आप कहाँ जाएंगे? कॉपीराइट आ जाएगा। हेलो मैम, आपका कॉल हमारे एग्जीक्यूटिव को मैंने फॉरवर्ड किया था, आपने कॉल कट कर दिया। जी बिल्कुल करना पड़ेगा, ऐसा सारा सारा क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करें हम। मैम मोबाइल रिचार्ज। मैम मैं अभी मैम मैं उनसे बात करती हूँ और मैं एक बार फिर से आपका नंबर फॉरवर्ड करती हूँ। मे बी वो आपसे अभी, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे सवाल पूछे, लेकिन मैं एक बार फिर से नंबर फॉरवर्ड करती हूँ, आप देखिए अगर वो आपसे अच्छे सवाल ही पूछेंगे जहाँ तक मुझे पता है। सवाल नहीं पूछेंगे तो देखिए फालतू में टाइम मत वेस्ट करवाइए प्लीज़। मैडम मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको ये रिचार्ज ज़रूर मिलेगा बिकॉज हमने बहुत कम नंबर्स को सेलेक्ट किए हैं, सो हम चाहते हैं कि आप ये गेम ज़रूर खेलें। आप एक बार बताए कम नंबर्स को सिलेक्ट किए हैं तो कौन बताया कुतुब मीनार का हाइट हम नाप के रखे हैं कि हम बनाएं? मैम मुझसे पूछिए मैं बता सकती हूँ। अच्छा आप मुझसे हेल्प ले सकती हैं मैम। तो आप बताइए आपकी टट्टी किस कलर की होती है बताइए। मैम ये तरीका आप बात कैसे करिए मैम? नहीं मतलब कहने का है मेरे, आप देखिए आप जैसा क्वेश्चन हम आपसे पूछे, मुझे भी तो वैसा लगा कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है, फिर मछली मेल है कि फीमेल कैसे पता चलेगा, ये सब भी तो हम भी तो ये बोल सकते हैं कि बात कैसे कर रहे हैं। मैम आप चाहें तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ, आप चाहें तो बताएं। बहुत सिंपल सा जवाब है, जितना आधा है उसका 2 गुना, बहुत आसान है। यार तुम कान से आप लोग खून बहा दीजिए मेरा, मैं पागल लग रही क्या आप लोग? मैम मैं आपका नंबर फॉरवर्ड कर रही हूँ अपने एग्जीक्यूटिव की तरफ, वो आपसे कुछ 2 सवाल और पूछेंगे, आप अगर एक भी सवाल का सही जवाब देती हैं तो आपको इमिडिएटली रिचार्ज मिल जाएगा। हाँ ठीक है चलिए करिए। मैम इसके लिए आपको एक दबाना पड़ेगा। हाँ चलिए दबा दिए आगे बढ़िए। 2 बार दबाना पड़ेगा मैम। फिर से दबा दिए आगे बढ़िए। मजा आ रहा मुझे, अभी मैंने होल्ड पे डाला। अगला सवाल। हेलो मैम मैं निशान बात कर रहा हूँ, वेलकम अगेन। पहचान गए, बार बार मत पहचानवाइए, आगे बताइए। मैम वेलकम अगेन टू आर फन अनलिमिटेड गेम। आज छोड़ मैं आपसे आप क्वेश्चन पे बढ़े। मैडम आपका ये सवाल है, अगर चिकलू की मुर्गी ने पिकलू के घर में अंडा दिया तो अंडा किसका होगा? आपके पास ऑप्शंस भी हैं मैडम, अभी आप ज़्यादा हाइपर हो गए थे तो हमने ऑप्शंस रखे हैं आपके लिए। आपको ऑप्शन है चिकलू, दूसरा ऑप्शन है पिकलू। चिकलू ऑब्वियस ही बात है। मैडम आप एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर मैंने जवाब बताया तो आप फिर हाइपर होंगी, इससे अच्छा है कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए।
अगर चिकलू की मुर्गी ने पिकलू के घर में अंडा दिया तो अंडा किसका होगा? आपके ऑप्शंस हैं चिकलू, ऑप्शन बी है पिकलू। अंडा दोनों का हुआ। मैम एक अंडे में आधा आधा अंडा कैसे कोई ले सकता है? तो सुनिए, चिकलू का अंडा था ना वो? हाँ जी मैडम। तो उसने वो पिकलू वो दिया? नहीं नहीं, चिकलू के मुर्गी ने पिकलू के घर में जाके अंडा दिया तो अंडा किसका हुआ? चिकलू की मुर्गी का अंडा है वो तो। तो आपके ऑप्शंस हैं चिकलू, ऑप्शन बी है पिकलू। मैम आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकती हैं। चिकलू की मुर्गी ने ना, तो चिकलू की मुर्गी का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। जिसका अंडा है उस हिसाब से तो चिकलू की मुर्गी, मतलब चिकलू का वो अंडे का बाप हुआ, तो चिकलू ही का अंडा हुआ वो तो। मैम बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैडम आपका एक आखिरी सवाल जो बचता है, अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे पूरे 3 महीने के मुफ्त मोबाइल रिचार्ज। कंग्रेचुलेशन मैम, बहुत बहुत बधाई, आप बस बहुत बहुत नजदीक आ चुकी हैं अपने सवाल जवाब के एक सिलसिले में। ठीक है, आगे बताइए। मैम आपका सवाल बहुत अच्छा है, वो कौन सी चीज है जिसे आदमी छुपा के चलता है और औरत दिखा के? एक बार मैं फिर से अपने सवाल को रिपीट करता हूं, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आदमी छुपा के चलता है और औरत दिखा के? मैडम ये सवाल आप फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ऑप्शन दीजिए, बिना ऑप्शन के नहीं हो पाएगा। मैडम इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारे पहले सवाल में ही था। तो कहां का फिर देगा 3 महीने का रिचार्ज? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, केबीसी में भी 4 ऑप्शन देता है, आपसे हम दूसरा सवाल पूछते हैं, हम इस सवाल को पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। हमारा आखिरी सवाल है आपसे, हम पानी को क्यों पीते हैं? कि मेरा शरीर, मतलब हमारा शरीर हाइड्रेट है। मैडम बिल्कुल सही जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आखिरी सवाल है और इससे आप जीत सकती हैं पूरे 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैडम हम स्टूडियो से बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो भी चीजें आप जवाब देंगी हम उनका एक वीडियो भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमें प्रॉपर स्टूडियो में सेटअप है, बहुत सारी ऑडियंस बैठी है यहाँ पे, सब कुछ भरा पड़ा है, यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारी पब्लिक है, मीडिया है। आपको बता रहे हमें ये सब मत बताइए, आप ऑप्शन देंगे तभी मुझे खिलवाइए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। मैडम आखिरी सवाल है और इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आप जीत रही हैं 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैडम आखिरी सवाल आपको। मैडम मैडम फोन काट। आई लव इट, मजा आएगा। छू एक बार और कॉल करते मैडम से, जवाब तो हम लेकर रहेंगे। आइए मैडम। मैडम आप बहुत नजदीक पहुंच चुकी हैं इसलिए हम नहीं चाहते कि हम आपको। मैडम मैं माफी चाहूंगा अगर आपको तकलीफ। मैडम माफी चाह कर रहा है पागल की तरह, दिमाग विमाग है कि नहीं, ऐसा ना बकलोल किसी और को बनाना, समझ में आया? मैम अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करें, चुप रहिए मैम। कौन होते आने वाले अभद्र अभद्र ये शब्द लोग? मैम अभद्र बात, मैंने अभद्र की बात ही नहीं की, मैंने अभद्र शब्द इस्तेमाल करने के लिए मना किया है, आप प्लीज अभद्र शब्द का इस्तेमाल मत करिए। इधर सुनिए, हमको मत सिखाइए ज्यादा, आइए मत, समझ आया? ये सब ना किसी और से बात करिएगा जिसको समय रहे, फालतू लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा 3 महीने चार्ज पता नहीं कौन सा पहाड़ हो गया है।
अच्छा मैडम मैडम मैडम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब दे दीजिए। सवाल सवाल आपका वही है, वो कौन सी चीज है जिसे आदमी छुपा के चलता है और औरत दिखा के? मैडम आप सोचने देंगे? हाँ हाँ सोचिए सोचिए, सोचिए मैडम, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। मैडम आप सोचिए, आप लॉक कर दिया जाए इस जवाब को। बहुत बहुत बधाई हो, आप मैडम जीत चुकी है 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज। एक बार जोरदार ताली हो चल। मैडम बहुत बहुत बधाई है, बहुत सही जवाब दिया आपने। अगले साल ठीक 31 फरवरी को आपके मोबाइल में 3 महीने का रिचार्ज फन अनलिमिटेड की तरफ से करा दिया जाएगा। मैडम मैडम मैं बता रहा हूँ, मैं विवेक बोल रहा हूँ। अरे पूजा दी, मैं विवेक बात कर रहा हूँ। आप मेरा आवाज नहीं पहचान पाए? नहीं, हमें लग रहा था थोड़ा, लेकिन इतना नहीं हो रहा था कि तुम ही हो। ये बात हमारे जैसे बहुत लोग की होगी ना, तुम ही तो हो नहीं इकलौते। मेरे को बड़ा मजा आया, बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मैंने वीडियो बनाया है, बाय द वे थैंक यू सो मच। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसा करना मत, नहीं तो किसी लड़की से गाली। अच्छा 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 सुनिए मैडम, आखिरी सवाल आपका बनता है क्या, मैं एक बार रिपीट। अच्छा मैडम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट करेगा और बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और मैडम मैडम मैडम, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा विवेक केशरीवान, मैडम उधर भी फॉलो करेगा, आपको मिलेगा 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ठीक है मैडम, शुक्रिया, मैं आपको बहुत जल्दी कॉल करते हैं।